को लग रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों में जो वैक्सीन के प्रति उत्साह है वो नज़र आ रहा है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीन है वो जो वैक्सीन की डोज है वो लगवा रहे हैं। यार इस समय हम राधा स्वामी सत्संग भवन में हैं जहां जो कोरोना वैक्सीन है वो लग रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों में जो वैक्सीन के प्रति उत्साह है वो नज़र आ रहा है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीन है वो जो वैक्सीन की डोज है वो लगवा रहे हैं। आइए जो वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वैक्सीन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम कौन सी डोज लगवा रहे हो? कोविशील्ड लगवा रहे हैं, सेकंड डोज है। सेकंड डोज लगवा रहे हैं। हाँ जी। तो वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहोगे? वैक्सीन सबको लगवानी है, सत्संग घर में आके वैक्सीन लगवाओ, कहीं भी लग रही हो वहीं जाके लगवाओ, कोई जरूरी नहीं भी कहाँ लगवाना है, जहाँ भी टाइम लगे लगवाओ जाके। हाँ जी। आपका हरदेव सिंह। आप कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हो, फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं? मेरा ये सेकंड डोज है जी। सेकंड डोज है। हाँ। तो वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वैक्सीन सभी को मेरे हिसाब से लगवानी चाहिए, इसमें कोई राजनीति और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी की सेहत और सभी का हेल्थ सबके परिवार के लिए अच्छी है। वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन बहुत जरूरी है। कौन सी लगवाई आपने? मैंने कोविड शील्ड, पहले भी मेरा कोविड शील्ड लगा है तो सेकंड डोज भी वही। नहीं, फर्स्ट वैक्सीन है, फर्स्ट है। तो वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों को? क्या वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए सो दैट सबकी सेफ्टी हो, बच्चों की, बिकॉज अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आ रही है जी। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, सो दैट सब बड़ों को लग जाएगी तो बच्चों को फैलने का खतरा कम हो जाएगा। मतलब लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह है वैक्सीन को लेकर। हाँ जी, लगवानी है, ज़रूर लगवाइए सब, बिकॉज नहीं लगवाएंगे तो ये फैलता ही जाएगा जी। जैसे ही लोगों को लगता जाएगा तो फैलना भी कम हो जाएगा ये धीरे धीरे। तो फर्स्ट डोज लगवा रहे हो या सेकंड? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट वन, पहली है। मैं कमलकांत वर्मा जी। तो राधा स्वामी सत्संग भवन में आज वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कुछ व्यवस्था है सर? व्यवस्था सारी ये सत्संग की तरफ से व्यवस्था की गई है जी। ये हमारे डेरा ब्यास से बाबा जी की दिशा निर्देश के अनुसार से हम ये सब कुछ कर रहे हैं जी। तो उनके ये एक ही ध्येय है उनका भी, लोगों की सेवा करना जी। जितना हम सेवा कर सकते हैं बाबा जी की कृपा से वो हम कर रहे हैं जी। और ये वैक्सीनेशन कैंप है जो अब सातवा कैंप है हमारा जी। उसके बाद पहले हमने बहुत कम से कम 2000 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे वैक्सीनेशन कराने के लिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सर आज जो कैंप में कितनी वैक्सीन का टारगेट आपका? टारगेट तो 1000 वैक्सीन का है जी। बाकी देखते हैं जो अभी चल रहा है सिस्टम, जितने होगा उतना हम करेंगे। कैंप ये कितने दिन का है? कैंप आज का है ये, आज। हाँ, आज भी जैसे लोग काफ़ी मात्रा में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है वैक्सीन के प्रति। हाँ जी हाँ, यहाँ पर आके लोग वैक्सीनेशन कराना अच्छा समझते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह की सुविधा है उनको, पंखे की, रहने की, बैठने की, खाने पीने की, उनका हम बाद में रिफ्रेशमेंट भी करते हैं जब जाते हैं वो यहाँ से, उधर सामने पीछे बैठने का उनका है, वहाँ पे उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी करते हैं। सर कौन सी वैक्सीन है अपने पास यहाँ पर? कोविशील्ड भी है और कोवैक्सीन दोनों ही। तो मतलब जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो चूज़ करता है वो लोग? हाँ, अपनी मर्जी से। जैसे सेकंड डोज है वो तो पहले जो लगी है वही लगेगी, बाकी जो जैसे चूज़ करता है वैसे लगा सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग है हमें, वो गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन मिली हुई है, जैसे वो कर रहे हैं।